नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। दलितों के महान नेता कहे जाने वाले स्वर्गीय रामविलास पासवान अब इस दुनिया में नहीं है। आज वो पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। उनके पुत्र चिराग पासवान ने उन्हें मुखाग्नि दी है। इस बीच उनकी अंत्येष्टि में कई दिग्गज नेता भी शामिल हुए और सभी की आंखें नम थी। इस बीच जीतन राम मांझी ने भी शोक व्यक्त करते हुए आज एक अपील की है सरकार से। दरअसल भारत सरकार से जीतन राम मांझी ने रामविलास पासवान को भारत रत्न दिए जाने की अपील की है। उन्होंने पत्र लिखा है। दरअसल क्या कुछ लिखा है उस पत्र में आपको पढ़ के सुनाते हैं। जीतन राम मांझी ने लिखा है, भारत सरकार में महत्वपूर्ण पद पर अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की मृत्यु हो गई है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। समाज के हर तबके के लिए किए गए उनके कार्य अद्वितीय है, जो स्वतः इस बात का परिचायक है कि वह भारत के रत्न है। मेरी अनुशंसा है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान दिया जाए, ताकि देशवासियों की ओर से उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि समर्पित की जा सके। शुभकामनाओं के साथ, जीतन राम मांझी। तो भारत के राष्ट्रपति को जीतन राम मांझी ने ये खत लिखा है और भारत रत्न की मांग की है। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।